एडिट होने से पहले फ़ोटो हमारा देखिए पुराना ऐसा था, एडिट होने के बाद अब ऐसा हो गया, तो आप भी एक क्लिक में कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं फ़ोटो एडिटिंग करना मात्र एक ऐसा ऐप्स है जिसे कोई ऐप्स आपको ऐसा नहीं मिला होगा। मात्र आपका फ़ोटो अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद फ़ोटो खुद आपका एडिट करके आपको दे देगा। आपको कोई कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक क्लिक का कमाल है। बहुत ऐप्स मैंने यूज किया, इसके मुकाबले कोई ऐप मुझे नहीं अच्छा लगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले अपने फ़ोन की आप एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सर्च कर देंगे रेमनी। रेमनी ऐप आप सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद रेमनी यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। ऐसा ऐप आपको जल्दी मिलेगा नहीं, इतना जानदार पावरफुल ऐप है, फुल HD में आपका फ़ोटो एडिट करता है। तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर देंगे। इसे ओपन होने देते हैं। मैं बहुत सारा ऐप इस्तेमाल किया फ़ोटो एडिटिंग में, बोलो इसके मुकाबले मुझे कोई ऐप अच्छा नहीं लगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मात्र एक छोटा सा ऐड आता है, ऐड को आप कट कर देंगे तो आपका फ़ोटो फुल HD में शो करने लगेगा। तो यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ कुछ परमिशन के लिए मांगता है, आप कर देंगे। यहाँ से पैसा भी लगता है, पैसा भी आप कर देंगे पे तो और बेहतरीन एडिट कर सकते हैं। तो मुझे फ्री में करना है, पैसा नहीं देना है। तो इसे हम कट कर, यहाँ से कट का निशान दे रहा है, हम कट कर देंगे। खुल के आ गया, जो फ़ोटो आपको एडिट करना है वो फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपने फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इन्हेंस का ऑप्शन दिखता है पहला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो एक छोटा सा ऐड आएगा, ऐड हम कट कर देंगे तो हमारा ये एडिट हो जाएगा। तो ऐड को हम कट कर देते हैं, देख सकते हैं ऐड हमारा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो हमारा ऐसा था। अब अपने आप एडिट करके हमारा फ़ोटो ऐसा बना दिया। अब फ़ोटो का क्वालिटी देखिए, फ़ोटो हमारा पुराना ऐसा है। इसे एडिट अपने यहाँ कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपलोड कर दिया फ़ोटो, यहाँ पे हमारा फ़ोटो ऐसा बना दिया। आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड का कुछ कलर इमेज ब्लर करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर वाले ऑप्शन पे करेंगे, हो जाएगा। यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट भी कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं, बड़ा आसान है। मुझे और कुछ ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, इस सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, ऐड हमारा चलेगा और यहाँ पे हमारा डाउनलोड सक्सेस हो जाएगा।